ज्यादा महत्व नदी और सरोवरों में स्नान का है, उसमें भी विशेषकर गंगा नदी में स्नान का, जिसको लेकर बनारस में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या में श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा नदी के तट पर। बनारस की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर में आप सरयू नदी को देख रहे हैं, किस तरीके से सरयू नदी में भी आस्था की डुबकी श्रद्धालुओं की ओर से लगाई गई है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, हालांकि पूरे दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे दिन स्नान का महत्व है, लेकिन जितनी सुबह आप पहुंचेंगे जितनी जल्दी आप सुबह आस्था की डुबकी लगाएंगे उसका ज्यादा महत्व माना जाता है। और यही वजह है कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु बनारस के घाट पर साथ साथ सरयू नदी के घाट पर आप आस्था की डुबकी लगाते हुए देख रहे होंगे। देखिए पहली तस्वीर में देखेंगे आपको दशाश्वमेध घाट की झलकियां भी दिखाई देंगी। वहीं गंगा नदी में स्नान का क्योंकि बेहद महत्व है, इसलिए दिल्ली एनसीआर के आसपास भी 2 से 3 घंटे के डिस्टेंस पर गढ़मुक्तेश्वर में भी हमने लाखों की संख्या में तड़के सुबह आज श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला सुबह 3 बजे से ही देखा है। उसके पहले 12 बजे से ही हालांकि श्रद्धालु जुटने शुरू हो गए थे, लेकिन 3 बजे के बाद लाखों की संख्या में वहां आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। और ऐसा पूरे देश भर में देखने को मिला है, न सिर्फ दिया जलाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की, पूजा अर्चना की, बल्कि आस्था की डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना भी भगवान के आगे जाहिर की। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये पूजा पाठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, न सिर्फ बच्चे महिलाएं बल्कि पूरा परिवार सुबह सुबह आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहा है। इस बात का भी ख्याल नहीं कि ठंड है, क्योंकि मान्यता ये है कि आज के दिन स्नान करने से आस्था की डुबकी लगाने से तमाम पाप कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और यही वजह है कि आज सुबह सुबह लोगों का पहुँचने का सिलसिला लगातार आप देख सकते हैं कि जारी है। कार्तिक पूर्णिमा पर सबसे ज़्यादा महत्व नदी और सरोवरों में स्नान का माना जाता है, और उसमें भी विशेषकर गंगा नदी में स्नान का ज़्यादा महत्व होता है, जिसको लेकर बनारस में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। वहीं अयोध्या में भी श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग लखनऊ से स्नान करने आए हैं। कैसी भीड़ दिख रही है? बहुत भीड़ है, बहुत भव्य है, बहुत भव्य है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान हो गया? हाँ, हम लोग का स्नान हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? हम लोग राम जन्मभूमि पे जाएंगे। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, जिसमें जो है दूर दूर से लोग आए हुए हैं, हम भी जो है दूर से आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं आज जी। कैसी भीड़ दिख रही है अयोध्या में? अयोध्या में बहुत अधिक भीड़ है, पहले से जो है इस साल अधिक भीड़ हो गई है जी। स्नान करने के बाद लोग नागेश्वरनाथ बाबा को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद जो है हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर अपने गंतव्य को जाते हैं। मान्यता आज के दिन की बहुत अधिक है, जो भी स्नान करते हैं दान पुण्य फल उनको अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक मास का आखिरी आज पूर्णिमा है, 1 महीना कल्प बाद चला कार्तिक मास। ये भगवान को, विष्णु भगवान को प्रिय महीना है। विष्णु भगवान जल में प्रवेश किए हैं, से सब जलाशय में स्नान कर रहे हैं। आज 1 महीना पूरा हो गया, शंखासुर का वध कर दिया, सभी देवता जाग गए, कार्य से सब आनंद हो गए। ये जो सब पब्लिक ये जो देख रहे हैं भक्तगण लोग, अयोध्या सरयू तट के तट पर ये सैलाब उमड़ा हुआ है, माँ सरयू में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पर सबसे